नॉनस्टॉप न्यूज में रुक करेंगे तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज। बंगाल में 8 मराइल में इंतखाब कराने की इसी के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने जताया एतराज। बीजेपी की सहूलत के हिसाब से तारीखें तय करने का लगा इल्जाम। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने सीपीएम और टीएमसी पर बंगाल को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। कहा 44 सालों में इन पार्टियों ने मिलकर बंगाल को तबाह कर दिया। ममता के इल्जाम का भी राजनाथ सिंह ने दिया जवाब। कहा बंगाल में यकीनन खेल ही होगा लेकिन वो खेल तरक्की का होगा। कांग्रेस ने भी असम और बंगाल में 7 से 8 मराइल में इंतखाब कराए जाने पर उठाए सवाल। राशिद अलवी ने कहा कि इंतखाबी कमीशन को ईमानदारी से इंतखाब कराने चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस सभी 5 रियासतों में डटकर इंतखाब लड़ेगी। आजाद 28 फरवरी तक जम्मू के दौरे पर। बीजेपी लीडर प्रहलाद पटेल ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। ममता से पूछे तीखे सवाल। घाट फेज में इंतखाब से क्यों डर रही है ममता। ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। मरकजी कपड़ा वजीर स्मृति ईरानी ने जनूबी 24 परगना में रोड शो किया और स्कूटी भी चलाई। 4 रियासतों और 1 मरकज की जेर इंतजाम रियासत में इंतखाब की तारीखों का हुआ ऐलान। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक होगी वोटिंग। 2 मई को सभी रियासतों में एक साथ होगी वोटों की गिनती। सभी 5 रियासतों में कोड ऑफ कंडक्ट हुआ नाफिज। त्योहार और इम्तिहान के दिन नहीं होंगी वोटिंग। मगरीब बंगाल में 8 मराइल में होंगे इंतखाब। पहला मरहला 27 मार्च, दूसरा 1 अप्रैल को होगा जबकि तीसरे मरहले के लिए 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। बंगाल में चौथा मरहला 10 अप्रैल को तो 5वें मरहले के लिए 17 अप्रैल को होगी वोटिंग जबकि 22 अप्रैल को 6ठा, 26 अप्रैल को 7वां और 29 अप्रैल को 8वें मरहले की वोटिंग होगी। असम में 3 मराइल में होगी वोटिंग। पहला मरहला 27 मार्च, दूसरे मरहले के लिए 1 अप्रैल को होगी वोटिंग जबकि 6 अप्रैल को तीसरे मरहले के लिए वोटिंग होगी। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 1 मरहले में होंगी वोटिंग। तीनों रियासतों में 6 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। कोरोना के मद्देनजर सभी रियासतों में वोटिंग मराकज की तादाद बढ़ाई गई। इंतखाब में तैनात सभी अफसरान को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। इंतखाबी कमीशन ने वोटिंग की टाइमिंग को बढ़ाया। वोटर अब 1 घंटा ज्यादा देर तक दे सकते हैं वोट। मगरबी बंगाल पर इंतखाबी कमीशन की सख्त नजर। इंतखाबी कमीशन ने अजय नाइक के अलावा 2 और लोगों को बंगाल का ऑब्जर्वर बनाया। आज से शुरू होगा मुल्क का पहला वर्चुअल टॉय फेयर। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे इफ्तिताह। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को मिलेगा बढ़ावा। अलकायदा के 11 दहशतगर्दों के खिलाफ एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। छापेमारी में मगरबी बंगाल और केरल से इन दहशतगर्दों को किया गया था गिरफ्तार। कंगना रनौत की वजह से फिर मुश्किलात में ऋतिक रोशन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने समन भेजकर आज बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया। यूपी के सीतापुर में जहनी तौर पर माजूर खातून के साथ गैंगरेप कर जिंदा जलाने की कोशिश। तश्वीशनाक हालत में अस्पताल में कराया गया दाखिल। जल्द बनकर तैयार हो जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। जम्मू में चिनाब नदी पर बन रहा है 359 मीटर ऊंचा ब्रिज। एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा पुल। संत रविदास के यौम विलादत पर आज वाराणसी में लीडरान का जमावड़ा। रविदास मंदिर में धर्मेंद्र प्रधान, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव टेकेंगे मत्था। आज वाराणसी और गाजीपुर दौरे पर वजीर दफा राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट पर 39 जीटीसी के फौजी अफसरान के साथ करेंगे बैठक। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी आज से तमिलनाडु के 3 रोजा दौरे पर। 1 मार्च तक कई प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा।
यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आज पांचवा प्रमुख स्नान पर्व, एक महीने तक चले कल्पवास का भी आज होगा इख्तिताम। आज यूपी के वृंदावन कुंभ का भी शाही स्नान, कुंभ से पहले तीनों घाटों का शाही स्नान, सुबह 9 बजे से शुरू होगी शाही सवारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में पास्ती दस्तों ने दहशतगर्दों के अड्डे को किया तबाह, AK-47, 1 RPG लॉन्चर, 16 UVGL ग्रेनेड, 4 चाइनीज ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पुलिस ने दहशतगर्दाना ठिकाने को किया तबाह, मौके से 4 ग्रेनेड और गोला बारूद जब्त। हिमाचल असेंबली में गवर्नर के खिताब के दौरान अपोजिशन का हंगामा, असेंबली के बाहर गवर्नर के काफिले को रोकने पर भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के MLA। केरल के तिरुवनंतपुरम सेक्टर के बाहर बीजेपी खातून माज का मुजाहरा, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, कईयों को हिरासत में लिया। बीजेपी में शामिल हुए मेट्रो मैनी श्रीधरन, केरल के मल्लापुरम में श्रीधरन ने थामा बीजेपी का दामन। असम की नौजवान खातून रेसर हिमा दास बनी DSP, असम के CM सर्बानंद सोनोवाल ने हिमा दास को वर्दी पर स्टार लगाकर बनाया DSP। पंजाब के सिंध प्रोविंस में असेंबली में भिड़े PTI PPP के MLA, दोनों तरफ से जमकर हुई धक्का मुक्की। नॉन स्टॉप न्यूज में आप रियासतों की अहम खबरों का रुख करेंगे। बागपत के बामनौली गांव में आज राष्ट्रीय लोकदल के सदर अजीत सिंह की किसान पंचायत, दिल्ली के सम्राट सुरक्षपाल के यौम विलादत के मौके पर एहतमाम। मेरठ के मवाना में भी राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत, इस मौके पर किसानों को जयंत चौधरी करेंगे खिताब। किसान लीडर राकेश टिकैत ने मेरठ मंडल के सभी अहदेदारों को आज गाजीपुर बॉर्डर पर बुलाया, 12 बजे होगी तहरीक की अगली हिकमत अमली पर चर्चा। राकेश टिकैत के खिलाफ किसान लीडर BK उमान ने खोला महाज, सदर गुनी प्रसाद ने टिकैत को किसान मुखालिफ बताया। महाराष्ट्र के जलगांव में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए गुलाबी गैंग ने संभाला महाज, लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की कर रही अपील। महाराष्ट्र के वर्धा और यवतमाल में लगा कर्फ्यू, आज शाम 5 बजे से फिर सुबह 9 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, जरूरी सहूलियत जारी रहे। यूपी के मुजफ्फरनगर में शराब पार्टी के दौरान शख्स का गोली मारकर कत्ल, गोली मारते हुए मोबाइल में कैद हुआ मुल्जिम। यूपी के सीतापुर में जहनी तौर पर बीमार खातून से गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने की कोशिश, तश्वीशनाक हालत में जिला अस्पताल में किया गया था। उत्तराखंड को मरकजी वजीर नितिन गडकरी का तोहफा, 5,400 करोड़ के मंसूबों का रखा संग बुनियाद, CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। यूपी के झांसी के आनंद नगर बस्ती में अधिकार सोनू सूद ने लगवाए 2 हैंडपंप, सामाजिक कारकुनान ने सोनू सूद से मदद की अपील की। यूपी के आगरा में नकली दूध के कारोबार का इंकशाफ, पुलिस और FSDA की टीम ने मारा छापा, सैकड़ों लीटर नकली दूध जब्त। गुमला कत्लेआम मामले में 8 मुलजिम गिरफ्तार, जादू टोना करने के शक में देहियों ने ली जान, बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कानून निजाम पर तेजस्वी के CM नीतीश कुमार पर दिए बयान से सियासी भूचाल, NDA ने खड़ा किया सवाल तो कांग्रेस ने भी बनाई दूरी, RJD बोली नहीं कहा कुछ गलत। गवर्नर के खिताब के साथ झारखंड असेंबली के बजट सेशन का आगाज, सरकार ने गिनाई कोरोना दौर की उसूलियाबियां, फिर 1 मार्च तक कार्यवाही मुलतवी। सासाराम में दिखी बिहार के बदहाल हेल्थ निजाम की तस्वीर, ऑपरेशन के बाद मरीज को खाट पर ले गए परिवार वाले, एम्बुलेंस नहीं देवर्त पर सिविल सर्जन किया जब तले। बिहार के गया में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 815 किलोग्राम वजनी 83 IED को हिफाजती दस्तों ने वक्त रहते किया डिफ्यूज।
बिहार के पटना में पुलिस वीक के इख्तिताम पर सीएम नीतीश ने पुलिस एहलकारों को दी सीख, कहा अकेले नहीं पूरी टीम के साथ तस्करों पर कसे शिकंजा। बिहार असेंबली में गूंजा डॉक्टरों की कमी का मुद्दा, वजीर सेहत बोले सभी खाली उहदों को जल्द से जल्द भरने की हो रही है तैयारी। पटना में असेंबलियात में कोरोना जांच के हुए घोटाले को लेकर आरजेडी का मुजाहरा, तो रसोइयों की सैलरी बढ़ाने को लेकर लेफ्ट ने खोला हाथ। बिहार के लखीसराय में पिकअप वैन से 600 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त, पुलिस ने 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आवाम को मिला 100 रसोई मरकज का तोहफा, भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई मंसूबे का किया आगाज। छत्तीसगढ़ की चावल खरीदी को लेकर मरकज और रियासतों में टकराव बरकरार, दिल्ली में सीएम ने की मरकजी खाद्य वजीर से मुलाकात। एमपी के ग्वालियर में जयरोग्य अस्पताल में फर्जी जॉइनिंग लेकर काम कर रहे 2 मुलाजिम गिरफ्तार, सुप्रिंटेंडेंट के जायजे के दौरान हुआ खुलासा। एमपी के इंदौर से जब्त 70 करोड़ के ड्रग्स मामले में नया इंकशाफ, कोरोना के दौर में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के नाम पर बेचे ड्रग्स। 28 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा, सोनिया गांधी से कर सकते मुलाकात, काबीना तौसी और सियासी तकरूरी पर चर्चा के इम्कान। रियासती कांग्रेस इंचार्ज अजय माकन की कोशिश लाई रंग, आज किसान इजलास में एक साथ नजर आएंगे सीएम गहलोत और सचिन पायलट, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में खिताब। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, कांग्रेस को बताया महंगाई पैदा करने वाली, कहा ऐसे लोग सियासत में आएंगे तो किसानों का क्या होगा। कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी ट्वीट वॉर, गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम की दाढ़ी पर कसा तंज, तो जवाब में गजेंद्र सिंह शेखावत ने दादी की नाक का किया जिक्र। राजस्थान के जयपुर में सुरंग का इंकशाफ, चोरी के लिए बनाई गई थी सुरंग, भारी मकदार में चांदी चोरी कर फरार हुए चोर। राजस्थान के चुरू में दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर में लगे खौफनाक आग, ड्राइवर और कंडक्टर के जिंदा जलने का अंदेशा। जैसलमेर में मरू महोत्सव के 3rd दिन दिलचस्प मुकाबलों ने बांधा समा, तो ऊंटों की भागीदारी वाले प्रोग्राम रहे तवज्जो का मरकज। राजस्थान के भिवाड़ी में कंपनी में लगी खौफनाक आग, वक्त रहते मजदूरों को कंपनी से बाहर निकाला गया, आग से लाखों का हुआ नुकसान। अब नॉनस्टॉप न्यूज में रुख करेंगे कारोबार की अहम खबरों का। रिकॉर्ड हाइट पर पहुंचा फास्टैग का डेली टोल कलेक्शन, इस हफ्ते डेली टोल कलेक्शन का आदादोशुमार 100 करोड़ से ज्यादा रहा, 2 हफ्तों में करीब 30 लाख नए फास्टैग यूजर्स जुड़े। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए फिलहाल भारत में जारी रहेगी बैनुल अक्वामी परवाजों पर रोक, सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ाया बैन। इकोनॉमिक महास पर आई गुड न्यूज, 3री तिमाही में मुल्क की GDP 0.4% रही, कोरोना की वजह से GDP माइनस में चली गई। NHAI के काम को मिली लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह, NHAI ने 25.54 किलोमीटर के सिंगल लेन सड़क को सिर्फ 18 घंटे में पूरा किया। तेल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम वजीर धर्मेंद्र प्रधान का अजीबोगरीब बयान, कहा सर्दी की वजह से डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, सर्दियों में ऐसा होता है। अहमदाबाद के पिच को लेकर इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन का बड़ा बयान, हिंदी में लिखी पोस्ट, कहा मैं इस तरह के विकेट की उम्मीद नहीं करता। केविन पीटरसन होंगे इंग्लैंड लेजेंड्स के नए कप्तान, टीम में मैथ्यू होगार्ड, ओवर शाह, मोंटी पनेसर और निक क्रॉम्पटन को जगह, 5 मार्च से रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। और अब नॉनस्टॉप न्यूज में रुख करेंगे एंटरटेनमेंट की अहम खबरों का। मां अमृता सिंह के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंची सारा अली खान, इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर लिखा जुमा मुबारक। पुल के सम्राट ने फेस पैक लगाकर इंस्टाग्राम पर तस्वीर के शेयर, अपनी गर्लफ्रेंड को टैग कर कहा तुम्हारी ब्यूटी एडवाइस फॉलो कर रहा हूं। फिल्म रूही का गाना किस्तो हुआ रिलीज, सचिन जिगर और जुबिन नौटियाल ने गाने में दी है अपनी आवाज़।